गुज़िश्ता दिनों ब्रेडफोर्ड में महमूद सुल्तान साहब के साहबजादे का इंतकाल हुआ। बहुत से लोगों ने उनके साथ अफसोस का इजहार किया। उन्हें बहुत से लोगों में एक शख्सियत ऐसी है जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है जनाब महमूद सुल्तान साहब से। उनका नाम है मोहम्मद परवेज कलीम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, मुसन्निफ, हदायतकार, फिल्म सास, मोहम्मद परवेज कलीम। उन्होंने महमूद सुल्तान साहब के लिए एक ताज़ीती पैराग्राफ लिखा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। लिखते हैं, महमूद सुल्तान, तुम्हें सब्र करने का मशवरा तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सब्र आ जाएगा ये सोच रहा हूँ। नौजवान बेटे की मैयत बूढ़े कांधों पर उठा के कब्रिस्तान तक का सफर, अल्लाह जी किसी बूढ़े भाग को ना दिखा, पर तुम ये सफर कर चुके। ये हौसला, ये बर्दाश्त, ये सब्र और इस्तकामत तुम्हें मेरे अजीम रब और तुम्हारी मासूमियत ने दिया, जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़कर दुनिया के रंजो गम से बेनियाज। तुमने 1990 में मेरे साथ फिल्म गुनाह और जलते बदन में बतौर अदाकार काम किया। फिल्में पुरानी हो चुकी, पर तुम्हारे अंदर के बाबे से जो ब्रेडफ्रूट का सबका मजदूर है, उसके साथ ताल्लुक आज भी नया है। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं, ये फिल्मी जुमला है, इसलिए कि तुम्हारे गम का मदावा अल्लाह जी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम उस मोहसिन बेटे को कैसे भूल सकते हो जिसने तुम जैसे मॉडर्न शख्स को बारिश होने का मशवरा दिया, जिसने तुम्हारी बख्शिश के लिए तुम्हें अपनी नेक कमाई से मक्का मदीना का दीदार करवाया। ऐसे भगवान बेटे हर घर में पैदा नहीं होते। मुझ ना चीज की अल्लाह जी से यह दुआ है कि वह तुम्हारे सादतमंद बेटे को जन्नत में मसनद खास अता फरमाए। जख्म गहरा है, रब्बे अजीम अपनी रहमत के मरहम से इसे भर दे। दुआ गो मुसन्निफ़ व हदायतकार फिल्म सास मोहम्मद परवेज कलीम।